क्या आपका घर पुराने खिलौनों का पूरा कबाड़ खाना लगता है? वो खिलौने अब जिनके साथ कोई नहीं खेलता, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। मॉन्स्टर हाई डॉल से बना एक बुक होल्डर, एक डायनासोर वाली लड़ी, मुलायम चपले बनी के कानों के साथ और यूएसबी तार पर मेंढक, देखिए इन्हें और कुछ ऐसे ही मजेदार आइडिया सिर्फ हमारी इस नई वीडियो में। ये गुलाबी भालू इतना पुराना है कि इसका दिमाग इसके सिर से बाहर निकल रहा है। यहाँ है एक लाइफ हैक आपके पसंदीदा खिलौने के लिए। खिलौने के सिर से काफी स्टफिंग को बाहर निकालें, हॉट ग्लू से इसे सील कर दें। भालू के शरीर से सारी स्टफिंग बाहर निकाल लें, पीछे एक कट लगाएं, उससे मिलते जुलते रंग का जिपर चुनें, इसे खिलौने पर किए गए कट पर सिल दें। अपने मुताबिक स्ट्रैप की लंबाई को काटें, स्ट्रैप्स को खिलौने के साथ सिल दें। अब ये एक पुराना खिलौना नहीं रहा बल्कि एक मजाकिया बैकपैक बन चुका है। इसके अंदर तो काफी जगह है, इस भालू को अपनी पीठ पर टांगे और सैर पर निकल जाएं। और अब हम आपको बताएंगे कि आप प्लास्टिक के जानवरों वाले खिलौने जिनके साथ कोई नहीं खेलता उनके साथ क्या कर सकते हैं। आपको एक साधारण पिन चाहिए, पिन को प्लास्टिक से पकड़ें और मोमबत्ती पर गर्म करें। इस गर्म पिन को खिलौने के अंदर डालें, तेंदुए को बैंगनी पेंट से रंगें, पिन पर एक मेटल की रिंग को लगा दें। आप अलग अलग रंग के बहुत सारे चार्म्स बना सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। ये रंगीन जानवर चाबियों, पर्सेस और स्कूल बैग पर बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको याद नहीं कि आपने आखिरी बार डोमिनो कब खेला था, तो ये सही समय है उसे उपयोगी बनाने का। डोमिनो को एक साथ ग्लू से जोड़ें, हॉट ग्लू का इस्तेमाल करें, तीन डोमिनो को जोड़ें और ऐसे दो और टुकड़े बनाएं और कुछ दो डोमिनो वाले टुकड़े बनाएं। इन्हें एक डिब्बे के आकार में जोड़ें। इतने ही टुकड़ों का इस्तेमाल करके इसकी एक और परत बनाएं। अब ये एक असली का पेंसिल होल्डर बन गया है जिसका स्टाइल बहुत अद्भुत है। काले और सफेद रंग का पेंसिल केस रंगीन पेंसिल्स के लिए, ये दिखने में बहुत बेहतरीन है। अगले लाइफ हैक के लिए आपको टेडी बियर, बल्ब और एक तार चाहिए। टेडी के पैरों पर हॉट ग्लू लगाएं, टेडी बियर के पैर पर एक बल्ब को लगा दें, लैंप की मेटल की रिम पर ग्लू को डालें, दूसरे पैर को इसके ऊपर लगा दें, सिल्वर एक्रिलिक पेंट से इसे सजाएं, सितारे, डॉट्स और पट्टियां बनाएं। टेडी बियर ने बल्ब को कसकर पकड़ा हुआ है, ये कितना मजाकिया लग रहा है। खिलौने को शेल्फ पर रखें और लाइट बल्ब को जला दें। ये बहुत सुंदर लैंप बन गया। ये टेडी बियर सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। आप फटी हुई पुरानी स्विमिंग वाली ट्यूब के साथ क्या कर सकते हैं? इसे फेंक दें? शायद ऐसा सोचना भी मत, आप इससे अब तैर नहीं सकते, पर हमारे पास इसके लिए एक आइडिया है। गत्ते का एक ट्रायंगल काट लें, इसे ट्यूब पर रखें और आउटलाइन बना लें। इसे काट लें, जितने हो सके उतने ऐसे टुकड़े काटें, उससे मिलते जुलते रंग का रिबन लीजिए, इस पर हॉट ग्लू को लगाएं। अब ट्रायंगल्स को रिबन पर लगा दें, झंडों को दीवार पर टांग दें। एक खुद बनाई हुई लड़ी आपके कमरे की शोभा बढ़ाएगी, साथ ही उसे कोजी और फेस्टिव भी बनाएगी। क्या आपने अक्षरों के बारे में बहुत पहले पढ़ा था, मगर आप इन अक्षरों को अब फेंकना नहीं चाहते, तो जल्दी से देखिए हमारा नया आइडिया। इन प्लास्टिक के अक्षरों को एक साथ जोड़ें, तीन एक जैसे टुकड़े बनाएं और उन्हें इस तरह से चिपकाएं, एक नीचे तो दूसरे साइड पर। इन्हें हॉट ग्लू लगाकर पक्का करें, अंत पर दो और ऐसी दीवारें लगाएं। अक्षरों के बीच की खाली जगह को भरें। अब ये एक असाधारण प्लेट बन गया है जिसे ब्रेड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब क्या ख्याल है डायनासोर की पूरी कलेक्शन का, देखिए कि आप इनसे क्या बना सकते हैं। इस लाइफ हैक के लिए आपको एलईडी लाइट की लड़ी चाहिए। तार पर ग्लू को लगाएं, दो लाइट बल्ब्स के बीच के हिस्से में एक डायनासोर को लगाएं।
पूरी लड़ी को डायनासोर से भरें। एक रहस्यमय डायनासोर की पूरी लड़ी आपके कमरे को जुरासिक पार्क में बदल देगी और इससे आपका पसंदीदा डायनासोर आपकी आंखों के सामने रहेगा। क्या आपके चार्जर की तार टूट रही है और ढंग से काम भी नहीं कर रही, तो एक रबड़ का मेंढक आपकी सेवा में हाजिर है। मेंढक के मुंह को बड़ा खोलें, एक कट लगाएं, मेंढक के पेट के ऊपर एक और कट लगाएं, केबल को मेंढक के अंदर डालें, तार को लैपटॉप से जोड़ें। अब प्लग सुरक्षित है और अब ये तार से अलग नहीं होगा और आप अपनी तार को बाकी तारों के बीच आराम से पहचान लेंगे। आप ही ऐसे अकेले होंगे जिसके पास ऐसा अनोखा चार्जर होगा। अगला लाइफ हैक नन्ही मॉन्स्टर हाई डॉल के साथ है। डॉल के हाथों को ऊपर की तरफ करें और उसे आधा काट लें। हॉट ग्लू की मदद से डॉल के ऊपर के हिस्से को शेल्फ के ऊपरी तरफ लगा दें, नीचे वाले हिस्से को शेल्फ के निचली तरफ लगाएं, डॉल की बाजुओं को फैलाएं और शेल्फ पर किताबों को रखें। अब ये एक बेहतरीन बुक होल्डर बन गया। क्या डॉल इन किताबों का बोझ झेल लेगी? हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो एक असली की मॉन्स्टर है। पुराने लेगोस को भी नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टुकड़ों को साइज के मुताबिक रखें, इन्हें पतले ब्लॉक्स लगाकर जोड़ें। प्लास्टिक स्ट्रॉ को लीजिए, इन्हें टुकड़ों में काटें। लेगो से बने प्लेटफॉर्म को उल्टा करें। स्ट्रॉ के टुकड़ों को बेस पर लगाएं। लेगो के सेल का आकार स्ट्रॉ के डायामीटर जितना ही है, तभी ये डिजाइन मजबूत बनेगा। अब ये एक धागे रखने के लिए ऑर्गेनाइजर बन गया। अब कोई फैलावट नहीं होगी जब आप क्राफ्ट्स बना रहे होंगे। अब सारे धागे आपको आसानी से मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, हमें आसानी से पता रहेगा कि कौन सा बॉबिन कहाँ है। ये नन्हा सा बनी पूरी तरह से फट गया है और तभी बरसों से इसके साथ किसी ने नहीं खेला। हम आपको बताएंगे कि इसे उपयोगी कैसे बनाना है। आपको इसके पीछे की टांगे काटनी है। इस खिलौने की सिलाई को पूरा खोलें और स्टफिंग को बाहर निकालें। एक आरामदायक चप्पलों का जोड़ा लीजिए। इस नन्हे खरगोश को चप्पलों पर इस तरह से लगा दें। इसे हॉट ग्लू लगाकर पक्का करें। चप्पलों के जोड़े को सजाने के लिए आपको दो एक जैसे खिलौने चाहिए या फिर जो दिखने में सामान्य हो। इन प्यारे बनी वाली चप्पलों को पहनना कितना आरामदायक है। ये बहुत कोजी और प्यारे लग रहे हैं। और अब इस आसान लाइफ हैक के लिए एक ज़ीब्रा वाले खिलौने को लीजिए। मोमबत्ती को जलाएं। कटर को मोमबत्ती पर गर्म करें। ज़ीब्रा के होठों के बीच एक कट लगाएं। इसे परखें कि क्या ये कागज को टिका सकता है। एक नोट लिखें और ज़ीब्रा के मुंह में लगा दें। ऐसे रोमांटिक मैसेजेस मिलना कितनी अच्छी बात है। ज़ीब्रा को एक नोट दें और एक जगह पर रख दें। एक अनोखा डाकिया आपके मैसेज को किसी ना किसी तरह से पहुंचा ही देगा। अब आगे आपको प्लास्टिक के कीड़ों का पूरा सेट चाहिए। सजावट के लिए अलग अलग रंग की चमकीली चुने। चलिए एक बग जैसी आंखों वाली ड्रैगन फ्लाई से शुरू करें। इस पर पारदर्शी ग्लू को लगाएं। ग्लू की परत पर चमकीली को छिड़कें। कीड़े के पूरे शरीर पर बराबर चमकीली को फैलाएं। दो लकड़ी के फ्रेम्स तैयार कीजिए। बेस के तौर पर रंगीन गत्ते की शीट्स का इस्तेमाल करें। दूसरे कीड़े को भी चमकीली से ढकें। इन कीड़ों को फ्रेम के अंदर रखें। इन आकृतियों को हॉट ग्लू लगाकर जोड़ें। अब ये एक असली चमकदार पैनल्स के सेट बन गया है। ये किसी भी कीट विज्ञान शास्त्री के लिए सपने जैसा है। बहुत ही अनोखा। अब इस लाइफ हैक के लिए आपको प्लास्टिक के बोलिंग पिंस की जरूरत है। इन्हें आधा काटें। आपको बोलिंग पिन के एक सेट से काफी रंगीन कप्स मिलेंगे। चलिए अब पुरानी कंस्ट्रक्शन किट के कुछ टुकड़ों को अरेंज किया जाए। इन्हें एक पिरामिड के आकार में रखें। इन्हें हॉट ग्लू लगाकर पक्का करें। कप्स को इसकी सीढ़ियों पर रखें। कप के नीचे हॉट ग्लू लगाएं और कप को लकड़ी के टुकड़ों पर लगा दें। छोटे छोटे गमलों को इसके अंदर रखें। इसे टिकाने के लिए इसे फेंस के सहारे से खड़ा करें। एक आसान तरीका अद्भुत अल्पाइन बनाने का, जो हमारे बागीचे पर चार चांद लगा देगा।
और अब अगले लाइफ हैक के लिए हमने इस मुलायम बिल्ली को चुना है। लाल फेल्ट के टुकड़े से ऐसी आकृति काट लें। आपको ऐसे दो और टुकड़े चाहिए। इसे खिलौने के पेट पर लगा दें। हॉट ग्लू का इस्तेमाल करें। हॉट ग्लू को सिर्फ तीन साइड्स पर ही लगाएं, मुड़ी हुई जगह को छोड़ते हुए इन्हें एक साथ ग्लू से लगाएं। इसका परिणाम एक काफी जगह वाली जेब निकली। बिल्ली को उल्टा करें। आपको वेलक्रो चाहिए होगा। वेलक्रो को हॉट ग्लू से पीछे लगाएं और वेलक्रो के दूसरे हिस्से को सोफे की पिछली तरफ लगा दें। बिल्ली को सोफे पर लगाएं और इसकी जेबों में रिमोट को रखें। ये प्यारा रिमोट होल्डर कभी भी रिमोट्स को गुमने नहीं देगा, क्योंकि अब से सारे रिमोट इस हरी बिल्ली की निगरानी में है। क्या आपको हमारे लाइफ हैक्स और खिलौने के नए रूप पसंद आए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर कौन सी चीज बनाना चाहेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।